एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत सारा हिम्मत जुटाना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। क्या आप इतना भूखे पेट आप लाइन में लगे हो, घंटों भर लाइन में लगे हो, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ ठीक है, मेरा इतना सारा मेहनत लगा है, मैं सुबह से पसीने में धूप में खड़ी हूँ, तो ठीक है नहीं हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इस सब चीज़ का मेरे पापा मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पापा हमेशा बोलते हैं कि यही मान के चलो कि बस तुमको गाना है, सिलेक्शन वलेक्शन कुछ नहीं होने वाला इधर, बस गा देना, हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो और ठीक है। तो फिर यही सोच के मैं हमेशा जाती हूँ ऑडिशन रूम में। और मैं जब लेकिन राइजिंग स्टार में गई तो मैंने केसरिया बालम सुनाया, और ये चीज़ मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं आज बता रही हूँ। ऑडिशन रूम में गए हम तीनों थे, तो ऋषभ ही मेरे साथ तबला बजाया था, मैं हारमोनियम बजा के गा रही थी। उस दिन छठ का त्यौहार था और हम लोग गए, सबसे पहले मेरा ऑडिशन हुआ। तो हमारे जो कोच थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला क्या सुनाओगे, तो मैंने केसरिया वालम सुनाया। उन्होंने तभी के तभी शीट पे 10 लिख दिया और उसको मार्क कर दिया। तो सब वो चीज़ उन्होंने भी मुझे बाद में बताई। तो उन्होंने तब मुझे सिलेक्ट कर लिया, करते 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 मैं आगे तक पहुंच गई। जब मैं टॉप 3 में पहुंची तब भवदीप सर ने, जो हमारे कोच थे, वो बोले कि तुमको याद है मैंने तुम्हारी शीट पे 10 करके ऐसे करके सर्कल किया था, वो क्या था? मुझे लगा कि एक बैच में 10 बच्चे होंगे तो फ्रंट पेज पे ऐसे लिख देते हैं। फिर बाद में मुझे उन्होंने बताया कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैथिली तुम टॉप 10 में पहुंचोगी, और इसीलिए मैंने वो 10 लिख के सर्कल किया था तुम्हारे फॉर्म पे, और आज देखो तुम टॉप 3 में हो। तो काफ़ी खुशी हुई कि उन लोगों को तभी मुझे उन्होंने ऐसा समझा उस काबिल कि मैं आगे तक पहुँच पाऊँगी। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ती गई, मुंबई राउंड हुआ, सारे कोच हमारे इतने अच्छे, हमारे सेट पे जितने भी स्पॉट बॉयज़ थे, जितने भी हमारे डायरेक्टर सर थे, हमारे जितने भी वर्कर थे, क्रू मेंबर थे, क्रिएटिव वाले, टैलेंट वाले, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, सब लोग मुझे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। हालांकि उधर मेरे से भी छोटी छोटी कंटेस्टेंट थी, जहाँ 11 साल की बच्ची है वहाँ पे 35 साल का भी कंटेस्टेंट था। फिर उधर गई तो फिर हिम्मत बढ़ता गया, मेरी तैयारी मैंने और जम के शुरू कर दी। पहले क्लासिकल पे पूरा फोकस था, उसके बाद थोड़ा शिफ्ट करके मैंने बॉलीवुड की तरफ आई। और अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी जहाँ पे हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं कि हाँ तुम फोक गाती हो, सेमी क्लासिकल गाती हो, सब चीज़ का मुझे इंस्पिरेशन मुझे राइजिंग स्टार से मिला, क्योंकि उधर वर्सिटैलिटी चेक करते हैं। मेरे
मुझे ट्रेडिशनल चीजें सुनना काफी पसंद है। ट्रेडिशनल जो भी गाते हैं मेरे बिल्कुल अंदर तक जाता है वो। बनिया के